दोस्तों, अगर आपके फोन का भी इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रहा है, आप अपने फोन में कोई भी वीडियो देख रहे हो या फिर कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है और इस वजह से आप बहुत परेशान हो, तो भाई इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन के अंदर ही एक ऐसे APN सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी फोन के अंदर 5G को एक्टिवेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस APN को सेट करने के बाद आप अपने फोन में कोई भी सिम कार्ड यूज कर रहे हो, जियो, एयरटेल, VI, आप किसी भी फोन के अंदर 5G को एक्टिवेट कर सकते हो और जो आपके फोन का इंटरनेट है ना वो बिल्कुल रॉकेट से भी तेज चलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको अपने फोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सा वो APN सेटिंग्स है जिससे कि आप अपने किसी भी फोन के अंदर 5G को एक्टिवेट कर सकते हो ताकि जो आपके फोन का इंटरनेट है वो बिल्कुल फास्ट काम करे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आप अपने फोन में जितने भी सिम कार्ड यूज करते हो ना यहाँ पर आपका शो कर देगा, लेकिन जिस सिम से आप अपने फोन में इंटरनेट यूज करते हो डायरेक्टली आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है एक्सेस पॉइंट नेम्स। यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे फोन में पहले से एक APN होता है जो कि हमारे फोन में इंटरनेट सप्लाई करता है, लेकिन जो ये APN होता है ना वो हमारे फोन के इंटरनेट को फास्ट नहीं करता है। लेकिन जो मैं आपको APN बताऊंगा उस APN को सेट करने के बाद जो आपके फोन का इंटरनेट है वो बिल्कुल 5G से भी तेज चलेगा। तो कैसे सेट करोगे थोड़ा ध्यान से देखना। तो नीचे में आपको दो सेटिंग मिलेंगे, न्यू APN का और रिसेट का। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको न्यू APN पे टैप करना है। ठीक है, न्यू APN पे टैप करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और इसी के अंदर आपको खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको नेम पे टैप करना है और यहाँ पर आपको लिखना है ड्रैगो स्पीड निंजा 5G। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा वैसे आपको भी अपने फोन के अंदर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो कुछ इस तरीके से आपको भी अपने फोन के अंदर लिखना है। ठीक है, ड्रैगो स्पीड निंजा 5G, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर ऑप्शन मिलेगा APN के नाम से, डायरेक्टली आपको APN पर टैप करना है और जो सिम आप अपने फोन में यूज करते हो ना, जैसे जियो का सिम यूज करते हो, एयरटेल का या फिर VI का, उसी का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो मैं अपने फोन के अंदर जियो का सिम यूज करता हूँ तो यहाँ पर आपको लिखना है जियो 5G नेट। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है वैसे आपको भी अपने फोन का लिखना है। ठीक है, जियो 5G नेट, अगर आप एयरटेल का सिम यूज करते हो तो एयरटेल लिखना है, VI का सिम यूज करते हो तो VI लिखना है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको प्रॉक्सी पे कुछ नहीं करना है, पोर्ट पे कुछ नहीं करना है। नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा आपको सर्वर के नाम से, डायरेक्टली आपको सर्वर पे टैप करना है और यहाँ पर आपको लिखना है www.google.com। ठीक है, क्योंकि जो गूगल का सर्वर होता है ना वो बहुत ही फास्ट काम करता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ तो आपको गूगल का सर्वर ही मिलेगा जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है www.google.com। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको MCC का और MNC का, जो कि यहाँ पर एक कोड आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके एरिया का कोड होता है। तो इस कोड को जरा सा भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑथेंटिकेशन टाइप के नाम से, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। और ये क्या होगा ना कि हम सभी के फोन के अंदर नन पे सेट होता है और इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे फोन का इंटरनेट होता है बहुत ही स्लो काम करता है। आप अपने फोन में कुछ भी डाउनलोड करोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगाकर डाउनलोड होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको पैप और चैप इस पर आपको सेट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको APN प्रोटोकॉल के नाम से, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। और ये क्या होगा कि आपके फोन में IPv4 या फिर IPv6 पे सेट होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको IPv4 IPv6 दोनों पे सेट कर देना है, और उसी तरीके से आपको APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे भी करना है, ठीक है, IPv4 और IPv6 दोनों पे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगा बैरियर के नाम से, जो कि हमारे फोन के इंटरनेट को यही फास्ट करता है। अगर आप अपने फोन में ओरिजिनल बैरियर को सेट कर लोगे ना, तो जो आपके फोन का इंटरनेट हो बिल्कुल फास्ट काम करेगा, चाहे आपके पास 4G फोन हो चाहे 5G फोन हो, आपके फोन का इंटरनेट बिल्कुल 5G से भी तेज चलेगा। तो कौन सा बैरियर है थोड़ा ध्यान से देखना, तो डायरेक्टली आपको बैरियर पर टैप करना है, और ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन के अंदर अनस्पेसिफाइड पे सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA इस पर आपको सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको IS95A इस पर, और यहाँ पर NR, ठीक है, इसी पर आपको सेट करना है। देख लो ध्यान से, इतना आपको सेट करना है। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से आपको ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा आपको MVNO टाइप के नाम से, डायरेक्टली आपको इस पर टाइप करना है और यहाँ पर आपको SPN कर देना है, ठीक है। तो हमारे फोन में जो नया वाला APN है वो क्रिएट हो चुका है, अब इसको आपको अपने फोन के अंदर सेव करना होगा, ठीक है। तो नीचे में आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है और यहां से आपको इसे सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद डायरेक्टली आपके फोन में ये कनेक्ट हो जाएगा। अब जो आपके फोन का इंटरनेट है वो बिल्कुल 5G से भी तेज चलेगा। यहां पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं, डायरेक्टली मैं अपने फोन में यूट्यूब को ओपन करूंगा तो यहां पर आप देखना जरा सा भी बफरिंग नहीं करेगा और बिल्कुल HD यहां पर वीडियो चलेगा। यहां पर आप देख सकते हो कितना भी यहां पर स्क्रॉल डाउन करूं जरा सा भी बफरिंग नहीं करेगा। और यहां पर अगर मैं शॉर्ट्स दिखूंगा तो शॉर्ट्स भी यहां पर आप देख सकते हो बिल्कुल HD में चलेगा, जरा सा भी यहां पर बफरिंग नहीं करेगा। तो यही APN आपको अपने फोन के अंदर सेट करना है। उसके बाद आपके पास चाहे 4G फोन हो चाहे 5G फोन हो या फिर किसी भी कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहे हो, तो आपके फोन में बिल्कुल 5G के जैसा नेट चलेगा। तो ये APN आप अपने फोन में जरूर सेट कर लेना। तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।